हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। आप कहते हैं ना अक्सर कि रणवीर यार गर्मियों में आप वो ड्रिंक्स की रेसिपीज नहीं बनाते, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमको है चूल्हे की आदत, हमें बावर्ची आदमी, तो जो जिन ड्रिंक्स में जो है चूल्हा लगता है जैसे आम का पना, स्क्वाश, ये सब कुछ वो हम बना के दिखा देते हैं आपको, लेकिन जिनमें चूल्हा नहीं लगता फिर हमारे अंदर वो मनोबल और मोटिवेशन नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई कोल्ड कॉफ़ी तो बनानी है तो उसमें पहले चूल्हा डाल लेते हैं। तो आके हमने पहले चूल्हा ऑन किया और एकदम गरम गरम चूल्हे पे हम बनाएंगे एकदम ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी। रेडी म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। देखिए ऐसा है ना, चक्कर ये है कि मैं पानी इसलिए गर्म कर रहा हूँ क्योंकि पानी अगर गर्म नहीं करूंगा तो एक अच्छा कॉफी कंकॉक्शन नहीं बन पाएगा। लोग क्या करते हैं कि कॉफी को घोल देते हैं, शक्कर को घोल देते हैं, ठंडे पानी में मिक्स कर देते हैं, उसकी कोल्ड कॉफी बनाते हैं। आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये जो मैं जुगाड़ बता रहा हूँ उसमें मैं शक्कर को पकाऊंगा। एक बार आप शक्कर पका लेते हैं उससे क्या होता है कि आपकी बनाई हुई कोल्ड कॉफी की लाइफ बढ़ती है, उसके अंदर एक शाइन आती है, एक फिनिश आती है, और फिर आप वो जो बार बार बोलते हैं ना कि यार वो कौन सा है, वो कौन सा डे है और कौन सा बक्स है और कौन सा वो बटिस्टा है, वैसी कॉफी नहीं बनती, वैसी बनेगी। ठीक है जी, अगर कोई गेस कर रहा है कि भाई क्या क्या कॉफी शॉप के नाम लिए हैं इसने, तो नीचे लिख देना आप लोग, है कौन सा बक्स, कौन सा डे और कौन सा बटिस्टा। बटिस्टा तो पहलवान है। अरे वो ज़रूरी बात तो मैंने आपको बताई नहीं, एक्चुअली दो ज़रूरी बातें हैं। एक तो ये कि आइसक्रीम आ रही है एकदम फर्स्ट क्लास, और दूसरा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच किस्म की कोल्ड कॉफ़ी सीखेंगे आप। पाँच किस्म की कोल्ड कॉफ़ी, ये बन गया एकदम हेडलाइन है न्यूज़पेपर की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच किस्म की कोल्ड कॉफी बनाए एक कंकॉक्शन से, ऐसे बेचते हैं डिशेस, सीख रहा हूं मैं यूट्यूब से। उसके बाद इसके अंदर डालना है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है एक छोटी इलायची। तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप चाहें तो ठंडा मिक्स कर लीजिए, लेकिन ये शाइन, ये फिनिश, ये ग्लेज, ये क्रीमीनेस नहीं आएगी। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था, बाहर जो 300-300 रुपए वाली आप कोल्ड कॉफी पीते हैं उसका जुगाड़ बता रहा हूँ, ये लिकर जो है उसकी ट्रिक है। लेकिन सीधा मिक्सी में डालिए, घोलिए, खा लिए, बना लीजिए, वो भी चलेगा। इसको क्या करना है ना, एक बॉयल देना है, और वो इलायची वाली जो ट्रिक है वो किसी को बतानी नहीं है। इलायची का क्या है ना, सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में इलायची क्या करती है, एक रिचनेस दे देती है। पर डालिएगा ज़रूर, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, गारंटी हमारी। एक बॉयल और इसको हटा देंगे, व्हेन शुगर कुक्स इट बिकम्स सिरपी एंड स्ट्रिंगी, वो सिरपीनेस से रिचनेस आती है बस। इसलिए शक्कर को पकाने में और शक्कर को कच्चा रखने में यही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपका वो जो बक्स है या जो डे है वहाँ पर हमेशा शुगर सिरप डालते हैं, शुगर पाउडर नहीं डालते, शुगर सिरप डालते हैं कोल्ड कॉफ़ी में, इसीलिए कि रिचनेस आए। हम क्यों प्रमोट करें दूसरी कॉफ़ी शॉप्स को, बताओ हमारी कॉफ़ी कौन पिएगा फिर? आप जाओ करो फिर 300-300 रुपये खर्च। ओए होए होए, देखो जी ये होगी चिल है, इस कॉफी को चिल करने देते हैं, बाद में हम इस कॉफी के साथ चिल करेंगे। क्या बात है रणवीर, डायलॉग बाजी में पूरे नंबर। अच्छा मैंने आपको तो बताया नहीं हम कौन से किस्म की कोल्ड कॉफी बना रहे हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं आइस्ड कॉफी, उसके बाद हम बना रहे हैं फ्रैपचिनो, उसके बाद हम बना रहे हैं आइस्ड मोका, उसके बाद हम बना रहे हैं घर जैसी होम स्टाइल कोल्ड कॉफी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बना रहे हैं कॉफी फ्रीक शेक, जो खाए तो फिर डिनर तक भूख का नाम ना सताए। ये हमारा कॉफी लिकर है। अब देखिए इसमें फर्क क्या है, ये देख रहे हैं कैसे गाढ़ा है ये। ये गाढ़ा क्यों है, क्योंकि हमने डाली है शक्कर, और शक्कर को पकाने की वजह से कोल्ड कॉफी के लिए ये परफेक्ट है। अब समझे, तो आइस कॉफी बनाने के लिए आपको चाहिए आइस। सबसे पहले नीचे डाल दिया आइस, हाथ एकदम फर्स्ट क्लास हमारे धुले हुए हैं, गरीबों का मजाक मत उड़ाइए आप, प्योर एंड हाइजीनिक हैंड्स हैं हमारे। अभी ये गया कॉफ़ी लिकर, अब इसमें ये गई थोड़ी सी क्रीम, क्रीम ऑप्शनल है तो डाल लीजिए। क्रीम जो है एक बैरियर बना लेती है, फ्लोट करती है ना, और उसके बाद ये गया दूध। लो जी बन गया ना एकदम परफेक्ट आइस्ड कॉफ़ी। अब कुछ नहीं करना, नीचे शक्कर है, बस ऐसे स्टर करनी है और पी जानी है। तो भाई बेसिकली करना कुछ नहीं है, बर्फ़ चाहिए। अगर हमारी रेसिपी से अगर आपने वो कॉफ़ी सिरप बनाया तो शुगर भी नहीं चाहिए, बर्फ़ चाहिए, हमारा वाला कॉफ़ी सिरप चाहिए,
और साथ में आपको चाहिए दूध, और ये फर्स्ट क्लास आइटम देखिए एकदम रेडी है। वाह भाई वाह। और बीच में वो जो हमको पता है तो थोड़ी सी वो आ रही है क्या, छोटी इलायची। बस रणवीर इतनी कॉफ़ी 5 बनानी तेरे को। एक और आपको तो चिढ़ा लूँ। देखो जी अगली जो कॉफ़ी है उसको आप लोग बुलाते हैं फ्रापुचिनो, टेक्निकली उसे कहते हैं आइस ब्लेंडेड कॉफ़ी। ये बहुत बढ़िया वाली रेसिपी है, ये तो मतलब कैफे भी फेल कर दे वैसी वाली रेसिपी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है कंडेंस मिल्क। देखिए कंडेंस मिल्क से क्या है ना, एक तो ये कि आइस जो है वो शक्कर कम कर देती है, वो शक्कर बैलेंस हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि कंडेंस मिल्क डालने से आइस ज़्यादा वाटरी नहीं होती। आप दूध डालते हैं तो फिर पानी जो बर्फ बर्फ हो जाती है ना, फिर आप बोलते हो यार मज़ा नहीं आया, वैसे स्लशी स्लशी नहीं बनी। स्लशी बनाने के लिए कंडेंस मिल्क। देखिए मोनोपोली क्या एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी है ये। देखिए देखिए, अरे अंदर जाके देखिए इसमें भी क्या है। अगर आपको स्ट्रांग चाहिए तो ऐसे नीचे थोड़ी कॉफी डाल दीजिएगा। ये देखिए आप मजे का टेक्सचर देखिए आप, है ना भाई एकदम। ये कौन सी चीनो होती है। हाँ जी हाँ जी, सेम टू सेम, ब्यूटिफुल। हाँ ये होती है एक अच्छे फ्रैपुचिनो की पहचान, आप उसको खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं, सब बता दिया मैंने। देखिए घर जैसी कोल्ड कॉफी बनाने के लिए आपको चाहिए एक साफ डब्बा, जो कि गर्मियों में आप सिर्फ कोल्ड कॉफी के लिए रखें। उसके अंदर बहुत सिंपल है, अब तो उसके अंदर डालें हमारा जादुई पिटारा, इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी जब आप बनाएं थोड़ा कॉफ़ी पाउडर डाल दें, उसकी जो किक आती है ना मज़ा आता है। इसके बाद जाएगा थोड़ी सी बर्फ, एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट बिल्कुल चुटकी भर नमक, थोड़ी सी क्रीम ऑप्शनल है, क्रीम नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, दूध, ढक्कन करें बंद अच्छे से। और ये पार्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है घर की कोल्ड कॉफ़ी में, आमतौर पे लोग शेकर लेके आते हैं, हैं 200-300 रुपए के शेकर। घर वाला जो मर्तबा है देखिए, अपने आप देखिए कितनी थी कितनी बन गई, देखिए झाग बन गई ना कच्ची कॉफ़ी। अगर चिल्ड मिल्क होगा और फुल क्रीम मिल्क होगा, मतलब पूरी वसा वाला दूध, पूरे फैट वाला दूध, तो अपने आप झाग अच्छी सी बनेगी। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है थोड़ी सी क्रीम डाल लीजिए ऊपर से। ये जो झाग है ये कुछ कॉफी का इमल्शन है और कुछ मिल्क फैट्स का इमल्शन है, और उसके बाद बाकी आपकी मेहनत का भी इमल्शन है। ये देखिए, इसे कहते हैं मजा ना आए पैसा वापस। बताइए थोड़े से शुरू किया और देखिए कहाँ तक पहुँच गए आप। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐसे हाथ से डाल देता हूँ भाई, हम शेफ लोग हैं हमारे हाथ ही ठीक है। ये है जी घर वाली कोल्ड कॉफ़ी जो हमने बनाई है मर्तवान में। तो गर्मियाँ आते ही या तो एक मर्तवान धो लीजिए और या फिर एक मर्तवान नया खरीद लीजिए, 300 रुपये के शेकर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कितने का है ये, 15 रुपये का, 25 रुपये का है हमारा शेकर। देखिए मज़े की बात, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसके 3 हिस्से हैं, ये जो है ये माल है और ये आपकी मेहनत है। मतलब समझे, नीचे का जो हिस्सा है वो एक्चुअल कॉफ़ी है और उसके बाद जो आपने उसको हिला डुला के जो उसकी फ्रॉथ बनाई है वो है। बताइए ये जी, हमको अपनी लखनऊ की गर्मी की छुट्टियां याद आ गई हैं, जब सिर्फ इसी का इंतजार होता था, इसी बहाने हमको कॉफी मिल जाती थी बच्चे होते हुए। बाकी झाग के पूरे नंबर, मोश तो नहीं आएगा।
तो जी एक ना बंदरगाह थी यमन में, उसका नाम था अलमोखा, और 15वीं शताब्दी में वहाँ से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी, और वो यमनी कॉफ़ी जो है उसको अराबिका भी कहते हैं। कई जगह पे वो मोका कॉफ़ी के नाम से फेमस हो गई। यूरोप में जब चॉकलेट नई नई आई तो लोगों ने कहा यार इसको ज़रा कॉफ़ी के साथ मिक्स करते हैं, और सबसे पहले उन्होंने किस कॉफ़ी के साथ मिक्स किया? अलमोखा कॉफ़ी के साथ। तो इसलिए उसका नाम जो है वो, ये कॉम्बिनेशन का नाम जो है वो मोका पड़ गया। हाँ, तो आज की डेट में अगर कॉफ़ी और चॉकलेट मिक्स हो तो हॉट मोका, कोल्ड मोका, तमाम किस्म का मोका हो जाता है। तो आप भी मोका मिस मत करिए, मेरा मतलब मोका मिस मत करिए, मोका बना लीजिए। ठीक, आपको चाहिए चॉकलेट सिरप, ये ब्यूटीफुल। तो गिलास ऐसा फैंसी नहीं, तो मतलब ये नहीं कि नहीं बनाएंगे, ये हमारी घरवाली को शौक है फैंसी फैंसी गिलास खरीदने का। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी घरवाली को शौक नहीं तो भी नहीं बनाएंगे, मतलब गिलास जो भी हो कॉफ़ी वैसी बनेगी। इसके बाद अपना कॉफ़ी सिरप स्टैंडर्ड, अगर आप एक अंदाज़ा लेना चाहें तो एक पोर्शन में ये जो हमने सिरप बनाया है 5 चम्मच कंफर्टेबली जाएगा, 5 से 6 चम्मच। एनीवेज, अभी क्या नेक्स्ट? दूध। एक काम करते हैं, जब तक मैं आइसक्रीम आइसक्रीम डाल रहा हूँ ना, इसकी गार्निशिंग गार्निशिंग कर रहा हूँ, आप एक काम करिए, आप उस यमनी पोर्ट मोका की और यमन और कॉफ़ी के कनेक्शन की एक छोटी सी दास्तान सुन ली, और उस दास्तान से हमारा कनेक्शन पता है क्या है? क्योंकि अगर वो पोर्ट नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान में कॉफ़ी बहुत लेट आई होती। कॉफ़ी के हिंदुस्तान आने की कहानी यमन से जुड़ी हुई। जी हाँ, यमन के मोका पोर्ट से चल के कॉफ़ी हिंदुस्तान आई। हुआ कुछ यूँ कि बाबा बुदा थे, हिंदुस्तान से हज करने गए थे, बहुत काबिल हाजी थे, और उन्होंने यमन में कॉफ़ी पी। लेकिन यमनी लोग जो है कॉफ़ी को बगैर रोस्ट किए किसी को देते ही नहीं, मतलब हरी कॉफ़ी जिससे कि पौधा उग सके मिलना नामुमकिन। बाबा बुद्धा ने 7 दाने हरी कॉफ़ी के लिए, उसको अपनी आस्तीन में ऐसे सिलवा के छुपाया, और वो 7 दाने हरी कॉफ़ी के हिंदुस्तान आए, और जहाँ पर उगाए गए उनके गांव में आज भी बुद्धागिरी कहते हैं। द मदर ऑफ ऑल इंडियन कॉफ़ीज इज़ बुद्धागिरी कॉफ़ी। बताइए कहाँ यमन, कहाँ मोका, कहाँ हमारा ड्रिंक, और कहाँ जुड़ गई हिंदुस्तान में कॉफ़ी आने की कहानी। भगवान ने ना 2 बीन्स बनाई, एक बनाई है कोको बीन, एक बनाई है कॉफ़ी बीन, और इंसान ने जब दोनों को मिलाया तो बन गया मोका। और इसके आगे कुछ नहीं, आप भी एक काम करिए, बनाइए मोका और मार दीजिए मोके पे चौका। वाह रणवीर, क्या बात कहती भाई, शायर क्यों नहीं है आप। अगली रेसिपी, 4 हो गई ना, 4 हो गई, देख लीजिए, बस एक और रह गई और फिर 5 हो जाएंगी। अब ये जो अगली वाली रेसिपी है ना, इसको कहते हैं 3 वक्त का खाना, अंग्रेजी में फ्रीक शेक। बेसिकली जो मिले डालते जाइए, जैसे यहाँ पे बिस्किट्स, कॉफी सिरप डाल दीजिए, चॉकलेट सिरप, दूध डाल दीजिए। देखो जी, हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था, मैं अभी सीख रहा हूँ बुढ़ापे में फ्रीक शेक करना अपनी लाइफ को। मतलब फ्रीक शेक को पीना ना पड़े, आपको खाना पड़े। ऐसे बिस्कुट ठोस दीजिए अंदर, और चीज़ केक, और अगर स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी, और अगर गुलाब जामुन, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप बाहर और थोड़ा अंदर लगाना है, उसके ऊपर ये तमाम बिंदु लगा देने हैं, देखिए कमी ना रह जाए ना कोई। हाँ अभी ठीक है, ये अब नीचे जाएगा जी चॉकलेट चिप्स, थोड़ा सा बिस्किट क्रश करके हमारा फ्रीकम फ्रीक शेक। फ्रीक शेक में मतलब बहना चाहिए, बहता हुआ फ्रीक शेक, बाहर गिरता हुआ फ्रीक शेक अच्छा है। हेलो जी, कॉफ़ी फ्रीक शेक। अब बताइए किसको लगेगी भूख, मतलब 24 घंटे से भूख लगने का सवाल है? नहीं,
इसको नहीं पीऊंगा मैं, इसको जो है ना पीऊंगा तो मेरा पेट दर्द हो जाएगा, क्योंकि जितने हैं ना ये कैमरे के पीछे सबकी नियत है इसके अंदर, और किसी की नियत आपके खाने में तो फिर आपका पेट दर्द होता है। इसलिए इन लोगों को फ्रीक आउट होने देते हैं, हम लोग एक काम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और बढ़िया से एकदम ये फर्स्ट क्लास 5 में से कम एक रेसिपी तो बनाते हैं। और अगर आपको 5 की 5 रेसिपीज बना के कैफे खोलना है तो वो भी खोल सकते हैं। मुझे बस 1% नहीं, 1 रुपया शगुन का भेज दीजिएगा भाई, 5 रेसिपी का। कैफे वाली रेसिपी है कि नहीं, सब्सक्राइब कीजिए फिर। थैंक यू वेरी मच। कैसे झेलते हैं आप मुझे।